हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे में इंस्टेंट एबिलिटी इज सो ओवर पावर्ड के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, तुम सभी इस वीडियो के नीचे 40 कमेंट्स कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो तैयार करने में। कहानी की शुरुआत में आयका को देख पाते जो एक टावर पे खड़ी होती है, लेकिन तभी उससे उसका सिस्टम कह रहा होता है हमारा जो ड्रैगन सेंस वो काम कर रहा है, अब हम हमारे ओपोनेंट को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अचानक से आयके के ऊपर हमला हो जाता है पत्थरों से। तभी आयका उस हमले से बचती है और अपने ड्रैगन विंग की मदद से उड़ के उसके पास जाती है। वो देख पाती है वो रियोना होती है। रियोना उससे कहती है जब तक मैं तुम्हें ख़त्म ना कर दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तभी उसके ऊपर हमला कर देती है जो आयका है उस हमले से बच रही होती है। रियोना कहती है मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे स्ट्रांगेस्ट हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। जो आयका है अपनी ड्रैगन क्लॉ की मदद से रियोना का एक हैंड को कट कर देती है। जो रियोना है वो कहती है अगर मेरी पावर सील ना होती मैं तुम्हें कब का हरा देता। ये सुनने आयका कहती है अगर ऐसी बात है फिर मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारी पावर रिलीज हो जाए तब मैं तुमसे लड़ूंगा। दूसरी तरफ डायमंड और लूट को देख पाते हैं जो मेस के अंदर आ चुके होते हैं। डायमंड था कह रहा होता है हम कब तक ढूंढेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तब हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकते। लूट कह रहा होता है हमें बस थोड़ा सा ही जाना होगा। लेकिन तभी वो दोनों अपने सामने जो डार्क लॉर्ड की सिस्टर माना है उसे देख पाते हैं। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट येगोडी होटल के रूम में अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसके पास जनोरा आती है और कहती है तुम सारा दिन यहाँ पे बैठ के सिर्फ वीडियो गेम खेलते ही रहोगे। लेकिन येगोडी कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो गेम नहीं खेल रहा, मैं अपनी पावर को टेस्ट भी कर रहा हूँ। तभी वो अपने पावर को रोज के ऊपर दिखाता है, कहता है देखा मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में लाना सीख लिया है। दूसरी तरफ धनोरा कहती है उसके अलावा तुम यहाँ पे बैठ के लेजी ही होते जा रहे हो। लेकिन येगोडी कहता है अगर मैं होटल से निकलूंगा तो फिर मेरे ऊपर काफ़ी सारे असैसिन हमला कर सकते हैं, इसीलिए मुझको तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ डायमंड माना से पूछता है तुम सील से निकल के यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी माना कहती है जो सील था थोड़ा सा वीक हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। लूट सोचता है वैसे कैसे हो सकता है, जो मेरे लॉर्ड ने उस सील को तैयार करने में अपनी पूरी पावर लगा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो माना थी वो कहती है क्या मेरा ब्रदर ने तुम लोगों को भेजा है मुझे यहाँ से निकलने के लिए। तभी लूट माना को की देता और कहता है इसकी मदद से आप इस सील से निकल सकते हैं पूरी तरीके से। जो माना थी खुशी होती कहती है आखिरकार मैं अपने ब्रदर से मिल सकती हूँ। दूसरी तरफ जो आयका है वो किंग मानी को ख़त्म करने के लिए उसके किंगडम में आती है और हमला शुरू कर देती है। तभी किंग मानी को ख़त्म करने के लिए उसका डायरेक्ट रूम में आ जाती है। जो किंग मानी तो उससे कह रहा होता तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। आयका कहती है अगर मैं तुमको ख़त्म कर दूंगी तो फिर जो पावर का सील है वो भी हट जाएगा। तभी जो किंग मानी है अपनी पावर की मदद से आयका के ऊपर हमला करता है, लेकिन आयका है ड्रैगन स्केल की मदद से उस हमले से बच जाती है। तभी आयका अपनी ड्रैगन क्लॉक की मदद से किंग मानी को वहाँ पे ख़त्म कर देती है। तभी आयका वहाँ पे एक लड़की से पूछती है जो सील है ज़रूर से हट गया होगा, सही कहा ना। जो लड़की थी कहती है सही कहा। तभी आयका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ माना को देख पाते हैं जो लूट डायमंड के साथ अपने फैंटेसी वर्ल्ड में आई होती है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। जो माना थी कह रही होती है कितने सारे बच्चे हैं, ये मेरे ब्रदर और मेरे बच्चे हैं। ये सुनने के बाद डायमंड कहता है ये क्या कह रही है। तभी लूट उससे कहता है जो लेडी माना और डार्क लॉर्ड के जो बच्चे हैं असल में लेडी माना का इमेजिनेशन है। दूसरी तरफ जो आयका है वो रियोना से मिलने आती है, वो देख पाती है जो रियोना का हैंड फिर से सही हो चुकी है। तभी वो उससे कहती है क्या तुम्हारी जो सील हट चुकी है तो फिर हमें फाइट करनी चाहिए। तभी जो रियोना है उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है तुम चेक क्यों नहीं करते जो मेरी लिफ्ट है वो सही से हट चुकी है या नहीं। तभी रियोना अपने फिस्ट की मदद से जो आयका है उसे दूर फेंक देती है और अपने फिस्ट की मदद से उसके ऊपर हमला करी जा रही होती है। लेकिन जो आयका है अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से उसका हाथ फिर से काट देती है और कह रही होती है क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है। लेकिन जो रियोना है फिर से हमला कर देती है अपने दूसरे हाथ से, लेकिन इस बार जो आयका है उसे आसमान में पकड़ लेती है और कहती है लगता है मुझे तुम्हें ऐसे ही ख़त्म कर देना होगा। दूसरी तरफ किंग मानी का जो कैसल उसे सही करा जा रहा होता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट योगोरी धनोरा के साथ निकला होता है शहर में। जो धनोरा है योगोरी से कहता है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। योगोरी कहता है मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन धनोरा कहती है इस शहर में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, मैं तुमको वहाँ पे लेके चलती हूँ, जो ट्रीट है वो मेरी तरफ से है। दूसरी तरफ एक स्नाइपर हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और ऑर्डर के लिए वेट कर रहा होता है। तभी जो लड़की थी कह देती है जल्दी से हमला शुरू करो, लेकिन स्नाइपर मारने से पहले खुद मर जाता है प्रोटैगनिस्ट के द्वारा। जो एसासिन था प्रोटैगनिस्ट योगोरी के हर एक मूव को देख पा रहा होता है, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट योगोरी धनोरा के साथ जिस होटल में आया होता है वो होटल डिस्ट्रॉय हो चुका था। दूसरी तरफ धनोरा और योगोरी के पास जो धनोरा की एंसेस्टर थी वो आती है और कहती है तुम दोनों फिक्र मत करो, जो कैमरा की इलेक्ट्रिक वेव की मदद से मैंने पता कर लिया जो एसासिन है वो कहाँ पे होगा। दूसरी तरफ जो एसासिन था वो हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन योगोरी उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करता है जिसकी वजह से एसासिन को नीचे उतरना पड़ता है। तभी जो धनोरा थी उसे उसी वक्त पकड़ लेती है और ज़मीन में फेंक देती है। तभी
एसेसिन के पास जो येगोरी आतर गया था, तुम मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लेकिन जो एसेसिन तो कह रहा होता, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तभी दनोरा के एंसेस्टर थी वहाँ पे आती है, कहते हैं तुमने जिस स्पिरिट को हमको ख़त्म करने के लिए भेजा था, मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। एसेसिन कहता, तुमने उस स्पिरिट को कैसे पकड़ लिया? तो काफ़ी पावरफुल थी। लेकिन दनोरा के एंसेस्टर कहती है, ऐसा स्पिरिट मेरे लिए मामूली है। तभी वो दूसरे स्पिरिट को निकालते और कहती है, इसको भी मैंने पकड़ लिया है। ये देखने की वजह से एसेसिन और भी शौक होता है कि नंबर येगोरी के ऊपर जो एसेसिन था अपने फेनरिया स्पिरिट की मदद से हमला कर देती है, लेकिन येगोरी अपने डेथ एबिलिटी की मदद से उसे वहीं पे ख़त्म कर देती है। ये देखने की वजह से जो एसेसिन था अपने पावर की मदद से अंडरवर्ल्ड से किंग यमा के स्पिरिट को निकालता है। जो यमा का स्पिरिट था वो सभी से कहते, तुम लोग सभी मरने वाले हो, लेकिन येगोरी उसके ऊपर अपने डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो किंग यमा का स्पिरिट था वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अचानक से येगोरी के ऊपर एक नाइफ से एक लड़की हमला कर देती है, लेकिन उस हमले को जो दनोरा है वो पकड़ लेती है और उसको सेव कर लेती है। येगोरी दनोरा का शुक्रिया अदा करते हुए उस लड़की के पास जाती है जो एसेसिन को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी येगोरी उससे कहती है, येंजू डीएक्टिवेट हो जाओ। जो लड़की थी वहीं पे डीएक्टिवेट हो जाती है, असल में एक रोबोट होती है। येगोरी उसको लेटा के उस एसेसिन के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तभी येगोरी अपना डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो एसेसिन था वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो डार्क गॉड की सिस्टर माना लूट और डायमंड के साथ अपने ओरिजिनल सील के पास जाती है आज़ाद होने के लिए। फिर डायमंड लूट से कहता है कि हमको लेडी माना को बता देना चाहिए जो डार्क गॉड ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन लूट कहते हैं, अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मैं बता दूंगी, जब मैं ये कहूंगी तब मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाऊंगी लेडी माना के द्वारा। तभी लूट डायमंड को एक की देता है सीलिंग का और कहता है, ये की तुम्हारे पास ज़रूर से रखना, जब मैं लेडी माना को सब कुछ बताऊंगी तब वो मुझे ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो तुम्हें नहीं ख़त्म करेंगे। दूसरी तरफ होटल में जो येगोरी था वो एंजू के क्लोन के साथ आ जाती है और दनोरा से कहने लगती है, एंजू है। दनोरा कहती है, लेकिन ये तो बस एक रोबोट है। येगोरी कहते, तुमने सही कहा, ये असल में उसका एक क्लोन है। जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझको ख़त्म करने के लिए उसका एक क्लोन को भेजा है उस वर्ल्ड में, मैंने सोचा भी नहीं होगा। येगोरी कहता है, मैं चाहता हूँ हमेशा रेस्ट करे। दनोरा कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन येगोरी कहता, तुम गलत समझ रहे हो। जो असली की एंजू है वो दूसरे वर्ल्ड में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होगी। मैं चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंजू का दिमाग और पर्सनैलिटी को बिल्कुल इस्तेमाल ना करे क्लोन तैयार करने के लिए। दूसरी तरफ जो आयाका थी वो योगियों से लड़ने के लिए आ चुकी होती है। तभी योगियो अपने कुक स्किल की मदद से आयका का जो एक हैंड था उसे कट कर देती है। इसी वजह से जो आयका है उससे कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे पास ऐसी भी स्किल होगी। लेकिन आयका उसके ऊपर अपने ड्रैगन क्लॉक की मदद से हमला कर देती है, लेकिन जो योगियो था उस हमले से बच जाता है। आयका कहती है, लगता है क्या ये भी तुम्हारा कुक स्किल का एक हिस्सा है? जो योगियो था कहता, तुमने सही कहा। दूसरी तरफ युकिमासा अपने बुक रीडिंग की मदद से जो आयका का जो स्किल था उसे पता करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यूगियो अपने क्लोन स्किल की मदद से आयका के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो आयका है ड्रैगन ब्रेथ की मदद से जो यूगियो था उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ ये हमारे प्रोटैगनिस्ट येगोरी के क्लासमेट सभी डिस्कस करने लगते हैं आयका के बारे में। अभी एक लड़की कहती है, हमको जो आयका है उसके कुछ करना होगा वरना हम सभी ख़त्म हो जाएंगे। दनोरा कहती है, हमारे जो तीन दोस्त हैं पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। जो लड़की थी वो कहती है, पहले हमको हमारा मिशन कम्प्लीट करना चाहिए, अगर मिशन कम्प्लीट हो सकता है तो फिर हम हमारे वर्ल्ड में ज़रूर से जा सकते हैं सेसियोन के द्वारा, इसीलिए हमको पहले अंडरवर्ल्ड में पहले हमारा मिशन कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट येगोरी दनोरा और उसे जितने भी दोस्त थे सभी डेविड के साथ निकल जाते अंडरवर्ल्ड में मिशन को कंप्लीट करने के लिए। येगोरी के जितने भी क्लासमेट थे सभी पहुंच जाते अंडरवर्ल्ड में गेट में, जहां पे जितने भी मॉन्स्टर थे सभी तैयार होते हैं। जो रोमिको थी वो दनोरा से कहते, अगर हमको आगे जाना होगा तो फिर हमको इन मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा। तभी जो सुगुरु था हमला कर देते उन मॉन्स्टर के ऊपर, इसकी वजह से जो बाकी के क्लासमेट थे सभी हमला कर देते हैं सुगुरु के साथ। तभी वो सभी लोग अपनी पावर की मदद से जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को ख़त्म करने लगते एक एक करके। ये देखने की वजह से दनोरा कहती है, मुझे लगा नहीं था हम इतनी जल्दी ख़त्म कर सकते इस चीज़ को। दूसरी तरफ जो माना थी वो कैरी हो तो जल्दी से जो सील है उसे डीएक्टिवेट करो। जो लूट है वो आ गया तर कहता है, जो हमारे डार्क गॉड वो नहीं रहे। तो माना कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे ब्रदर को इस वर्ल्ड में फिर से लाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। लेकिन जो माना थी वो कहती है, मेरे ब्रदर को इस वर्ल्ड में लाने के लिए मुझे पहले एक बॉडी को क्रिएट करना होगा। तभी अचानक से जो लूट का हैंड तो गायब हो जाते हैं। जो माना थी वो कहती है, जो तुम्हारे हैंड है वो मेरे ब्रदर को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। तभी माना कहती है, अब मुझे दूसरा क्या लेना चाहिए तुमसे मेरे ब्रदर को इस वर्ल्ड में लाने के लिए। जो लूट थी वो दर्द में होती है। तभी जो डायमंड कहता है,
कि आप मिस्टर लूट को छोड़ सकती है, लेकिन माना कहते जल्दी से जो सील है उसे अनलॉक करो पहले। तभी डायमंड ऐसा ही करता है, जो की की मदद से जो सील था उसे अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट योगोरी के क्लासमेट अपनी ट्रायल को ख़त्म करने के बाद सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। खाना खाने के वक्त धनोरा से उसके दोस्त कह रही होती है, क्या तुम्हें योगोरी पसंद है? लेकिन धनोरा कहते तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। तभी उसके दो दोस्त कह रहे होते, क्या तुम्हें लगता है हम दोनों को नहीं पता होगा? तुम दोनों बहुत ही क्लोज लगते हो, इसीलिए हमने पूछा। जो धनोरा है रियलाइज करती है वहाँ पर योगोरी बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए वो योगोरी को ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर जो योगोरी है वो बैठ के गेम खेल रहा होता है। तभी वो देख पाता है डेविड है, वो कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसका फॉलो करने लगता है। जो डेविड था वो एक एनर्जी के पास आया होता है। उस एनर्जी के पास जाने के लिए वो एक पहाड़ से कूदने ही वाला होता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट योगोरी उसे पकड़ लेते और कहता है कि तुम सही तो हो ना। लेकिन जो डेविड था वहाँ पर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से जहाँ पे योगोरी और डेविड होते हैं उन लोगों के नीचे जो मिट्टी होती है उस एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक दरार आ जाती है। दूसरी तरफ योगोरी के क्लासमेट के पास खाना खाने के समय जो सेसियन थी वहाँ पे आती है और उन सभी से कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम सब लोग इतने सारे बच्चा हो गए और इसीलिए मैं चाहता तुम लोग एक दूसरे का साथ फाइट करो, आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन की लड़की थी उसे मैसेज मिलता है, जो अल्फा ओमेगा का सेकेंड डोर है ओपन हो चुका है, इसीलिए वो परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ जंगल में जो धनोरा थी योगोरी को ढूंढने लगती है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।